नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज से हम मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम बुक की समरी के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे कुछ पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपकी यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकते हैं। आप दिए हुए नंबर्स पे इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आरंभ करते हैं, मॉडर्न इंडियन सोर्सेस, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। वो स्रोत क्या हैं जिनके आधार पर आधुनिक भारतीय इतिहास को लिखा गया? ऐसे स्रोत दो तरीके के स्रोत हो सकते हैं। एक तो कुछ आर्काइव्स होंगे जो कोई शासित वर्ग द्वारा जारी किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या देसी रियासत के राजा हो या विदेशी शक्ति हो या फिर न्यायपालिका हो। अदर सोर्सेज में आपके क्या आते हैं, किसी की जीवनी, किसी का यात्रा वृत्तांत, किसी का मेमोयर संस्मरण, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या मौखिक वर्णन, लिटरेचर, क्रिएटिव लिटरेचर और पेंटिंग। ये स्रोत हैं जिनके आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस में जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1857 के पश्चात जो प्रशासनिक और संवैधानिक विकास आरंभ हुए, उन सभी की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज के रखता है। स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स की बात करें तो उसमें भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भूतपूर्व राजसीय राज्य इसमें शामिल होते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत में तो शामिल नहीं थे लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो भारत में, भारतीय संघ में शामिल हो गए। साथ ही कुछ विदेशी प्रशासन से संबद्ध स्रोत सामग्री मिलती है जो इनके बारे में बताते हैं। न्यायिक अभिलेख, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण है। कुछ होते हैं प्रकाशित अभिलेख, प्रकाशित अभिलेख में संसदीय पत्र आते हैं। 1801 से लेकर 1907 के बीच में कई संसदीय पत्रों को जारी किया गया जो भारत में संसदीय प्रणाली के विकास का वर्णन करते हैं। कुछ निजी पुरालेख हैं जो व्यक्ति एवं परिवारों से संबद्ध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं। इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध प्रमुख नेताओं के पत्र आपको इसमें मिल जाएंगे। विदेशी संग्रहालय की पुरालेख सामग्री भी इसमें आती है। जैसे यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। वहीं ब्रिटेन में आप जाएंगे तो ब्रिटेन में क्या हुआ, यहाँ से सारे अभिलेखों को अंग्रेज उखाड़ उखाड़ के अपने लंदन ले गए, वहाँ कहीं उन्होंने जाके उनको संरक्षित कर रखा है। तो आपको भारत के इतिहास की जानकारी विदेशों से भी प्राप्त होती है। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आप आर्काइव्स नेशनल पेरिस में और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख आपको भारत में फ्रांसीसी के इतिहासों का वर्णन करते हैं। ऐसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कुछ आर्काइव्स क्रिएट किए, हमें वहाँ से भी भारतीय समाज के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम अदर सोर्सेस पे जाते हैं जैसे जीवनी हुआ, व्यक्तिगत अभिलेख हुए, तो व्यक्तिगत अभिलेख में कुछ मिशनरीज, ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए, कुछ सिविल सर्वेंट्स भारत आए जिन्होंने भारत में भ्रमण किया और उन्होंने जो यहाँ समाज को देखा, जो अनुभव किया, उसको उन्होंने अपने कलम के द्वारा शब्दों में उतारा। यात्रा वृत्तांत, ट्रैवल अकाउंट्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत आते हैं। जैसे एक मिस्टर जॉर्ज फोस्टर थे जिन्होंने 1793 में बंगाल से लखनऊ, श्रीनगर, काबुल,
कैस्पियन सी और सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए और उन्होंने वहाँ पे उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी दी। दूसरे इसी तरीके से बेंजामिन हेन हुए, जिन्होंने 1814 में अपनी बुक में उस समय के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान करी। ठीक इसी प्रकार न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन निकलती है तो लोग उसे पढ़ के आपस में डिस्कशन करते हैं, वह एक व्यापक जनमत का निर्माण करते हैं और इसी कारण से समाचार पत्र मनुष्य के सभी जीवन के आयामों को कवर करते हैं, उन्हें छूते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। इस तरीके से समाचार पत्र एक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी लिए जाते हैं। सबसे पहले भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा ही किया गया। और वो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वह तब तक भ्रष्टाचार वहाँ पे भी पहुँच गया था, निजी व्यापार में कुरीतियों को वो दर्शाना चाहते थे, उद्घाटित करना चाहते थे। तो भारत में जेम्स अगस्टस हिके ने 1780 में बंगाल गजट सबसे पहले लॉन्च किया। उसके पश्चात भारत में कई न्यूज़पेपर भारतीयों ने भी लॉन्च किए, जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू और स्वदेश मित्रन, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा, एसएन बनर्जी ने बंगाली, अमृता बाजार पत्रिका ये शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा लिखी गई, गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक लिखी, एन एन सेन द्वारा इंडियन मिरर लिखी गई, दादा भाई नौरोजी द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया लिखी गई, श्याम जी वर्मा ने इंडियन सोशलॉजिस्ट और मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसके साथ साथ मौखिक प्रमाण, वैयक्तिक संस्मरण भी इतिहास के स्रोत होते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इनको सही नहीं मानते हैं क्योंकि इनमें प्रमाणिकता और कालक्रम का अभाव होता है, इसलिए ये तार्किक रूप से ठीक नहीं माने जाते। सृजनात्मक साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो सृजनात्मक साहित्य में आपके उपन्यास आते हैं, लघु कथाएं आती हैं और काव्य आते हैं। तो काव्य में अगर हम बात करते हैं उर्दू के, तो उर्दू के मोहम्मद इकबाल, हिंदी में निराला, बंगाल के काजी नजरुल इस्लाम और तमिल के सुब्रमण्यम भारती, ये कुछ ऐसे राष्ट्रवादी कवि हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज को स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रवादी भावना के प्रोत्साहन के लिए अपनी कविताओं की रचना करी। उपन्यास इंडो यूरोपियन कॉन्टैक्ट होने का एक रिज़ल्ट है, इससे पहले उपन्यास नहीं था। तो हमारे यहाँ के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक थे एक बंकिम चंद चटर्जी जी, जिन्होंने बंगाली में आनंदमठ लिखा, वहीं प्रेमचंद जिन्होंने तत्कालीन समाज का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अपने कई सारे उन्होंने उपन्यास भी लिखे, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। इसके साथ साथ कुछ लघु कहानी भी लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो बुक कहानियाँ लिखी, पोस्टमास्टर और काबलीवाला, वहीं प्रेमचंद जी ने लिखी कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी एटसेट्रा। इसके साथ साथ पेंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो पेंटिंग में औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में उस चित्रकारी से हमें पता चलता है। क्योंकि इस समय तक मुगल और राजपूत राजा कमज़ोर हो चुके थे, राज्य क्षीण हो चुका था, इसलिए चित्रकारों को अब संरक्षण नहीं मिलता था। ऐसे में जो भारतीय कलाकार थे उनको, चूँकि उनकी चित्रकारी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी थी, ड्राइंग स्किल्स के चक्कर में उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट्स और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का मैप बनाने का काम में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उनको लगा दिया।
कुछ तो ये काम करने लगे कि मैपिंग करने लगे। कुछ लोग 1760 के बाद पटना आके बस गए और वहाँ पटना में 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें कुछ कला केंद्र बट भी गए, तो कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के नाम से जानी जाती है। जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पटना कलम, तो पटना कलम क्या है? ये कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली है। दूसरा प्रभावशाली चित्रकला केंद्र कहाँ बना? हमारे मोदी जी के क्षेत्र में, बनारस। और एक दूसरी पेंटिंग है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट है कहाँ? कलकत्ता में। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है कि इसमें पौराणिक चरित्रों और आकृतियों के तो उकेरा ही गया, साथ ही जो दैनिक जीवन में संलग्न आम लोग हैं उनके वो भी दर्शाया गया। अब जब दैनिक लोगों के जीवन को दर्शाया गया चित्रों में, तो उनकी बुराइयाँ भी ठीक आईने की भांति ही नज़र आने लगीं। इसके कारण लोग अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित हुए और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुए। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 आता है, वो है मेजर अप्रोचेज टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। तो हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी हिंदी में इतिहास लेखन, इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या। तो इसके लिए 4 अप्रोच ली गई हैं। एक है औपनिवेशिक, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी और सब अल्टर्न अर्थात अधीनस्थ या उपाश्रित। तो औपनिवेशिक उपागम की अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल अप्रोच में, तो ये वो अप्रोच है जिसमें दो अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला, एक तो ये औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है। दूसरा, इसमें ऐसे कार्य की ओर इसमें इशारा किया जाता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। वो यहाँ पे डोमिनेटेड बाई यूरोपियंस। साथ ही इन्होंने क्या किया, अगर अपने सत्ता को बरकरार रखना है तो अपने आधार, अपने कल्चर को सर्वश्रेष्ठ बताना होगा। तो इन्होंने अपनी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों की प्रशंसा की, व्यक्तियों का महिमामंडन किया। जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, ये कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी संस्कृति को, ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता कहा और कहा कि वो उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला देश है। जबकि भारत का अवरुद्ध समाज है, उसकी पिछड़ी सभ्यता है, सांस्कृतिक रूप से वह निकृष्ट है। तो अपने आप को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास किया कॉलोनियल अप्रोच में। अब आप किसी दूसरे की सभ्यता को आप गलत करो कहोगे या किसी को नीचा दिखाओगे तो उसके अंदर एक द्वेष भाव उत्पन्न होगा और उस द्वेष भाव से लड़ने के लिए वो एक अपनी अलग अप्रोच लेके आएगा जिसका नाम है नेशनलिस्ट अप्रोच, राष्ट्रवादी उपागम। राष्ट्रवादी उपागम बेसिकली ये औपनिवेशिक उपागम से सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में ही हुआ। इसमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का प्रयास किया गया, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया गया, जैसे धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया गया। भारतीय इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन युग के बारे में ये वर्णन करता है। तो ये मेनली किसके बारे में बात करता है? एंशियंट और मिडाइवल पीरियड के बारे में बात करेगा। इसमें फेमस हिस्टोरियंस कौन कौन से हैं? एम जी रानाडे, रमेश चंद दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले और ए सी मजूमदार, साथ ही दादा भाई नौरोजी भी इसमें आते हैं। तो ये आपका नेशनलिस्ट अप्रोच हो गई। इसके बाद आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसमें दो इतिहासकार हुए, रजनीपाम दत्त और ए आर देसाई। रजनीपाम दत्त ने इंडिया टुडे लिखी और ए आर देसाई ने इंडियन नेशनलिज्म बुक लिखी। इन्होंने औपनिवेशिक स्वामियों और अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष और विरोध को स्पष्ट रूप से दर्शाया। चौथी अप्रोच है सबाल्टर्न अप्रोच। यह है अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम। तो
ये सबसे पहले आरंभ होती है रंजीत गुहा द्वारा 1980 में। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में हुई। इसने बताया कि भारतीय इतिहास लेखन की समस्त परंपरा का झुकाव अभिजात्य वर्ग की तरफ है और ये पक्षपाती है। ये साम्राज्यवाद विरोधी धारा या और दूसरी कुलीन की झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धारा है। इसने लोगों की स्वयं की सचेतता पर यह आधारित थी और जिसके कारण ये नवीन स्रोतों की खोज नहीं कर पाया, इस कारण यह एक फेल्ड अप्रोच रही। अदर अप्रोचेस क्या क्या आती हैं? कम्युनिस्ट अप्रोच, कम्युनिस्ट अर्थात संप्रदायवादी। इन्होंने क्या दिखाया कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग शत्रु शिविर हैं और वो आपस में उनके संबंध कैसे हैं, कड़वे हैं, शत्रुतापूर्ण हैं, विरोधात्मक हैं और वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को इतिहास को उन्होंने दर्शाया। दूसरा है कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज स्कूल कैम्ब्रिज इंडिया में तो नहीं है, अब ये इंग्लैंड में है तो ये अंग्रेज़ों का पक्ष ही लेगा। इनका कहना था कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था बल्कि भारतीयों के बीच में ही था, भारतीय आपस में ही लड़ते थे। इनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का प्रोडक्ट नहीं था बल्कि शासकों ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए ये भारतीयों के बीच संघर्ष था। और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो महान विचारों से प्रेरित होता हो या प्रेरित हो, बल्कि वो प्रेरित किससे होते थे, इन सभी संघर्ष के बाद जो उनको रिवार्ड्स मिलता था, भौतिक लाभ मिलता था या शक्ति मिलती थी उससे वो प्रेरणा लेते थे। अब इसके बाद एक अप्रोच और बच जाती है जिसका नाम है फेमिनिस्ट अप्रोच। अब जितने भी अप्रोचेज अभी हमने पढ़ी हैं उनमें कहीं पे भी महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्जा, योगदान, इन सब के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई। इसके कारण किसी महिला को बुरा लग गया होगा, उन्होंने अपना एक नया लेखन नारीवादी उपागम आरंभ किया। उन्होंने इतिहास में महिलाओं के योगदान को लेकर 1970 के महिला आंदोलन से माना जा सकता है और भारत में महिलाओं के अध्ययन के लिए अभ्युदय हेतु संदर्भ एवं आवेग उन्होंने प्रदान किया। तो इस तरीके से एक फेमिनिस्ट अप्रोच है जिसमें वुमेन सेंटर में है और रोल ऑफ मूवमेंट इज डिफाइंड अटेम्प्ट वाज मेड टू आर्काइव द राइटिंग ऑफ वुमेन्स। तीसरा चैप्टर आता है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, औपनिवेशिक शक्तियों का भारत में प्रवेश। अब इस समय तक सबसे पहले उनके प्रवेश से पहले तो क्या कंडीशन बन चुकी थी हमें वो समझना ज़रूरी है। जितना भी यूरोप है ये यूरोप वाला क्षेत्र है, संपूर्ण यूरोप में भारत की समृद्धि और संपन्नता की चर्चा व्याप्त थी। मुगलों के समय विशेषतः शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री वर्नियर ट्रेवर्नियर ने भारत से वापस जाकर भारत की समृद्धि की अत्यधिक चर्चा करी। वर्नियर के अनुसार विश्व का संपूर्ण सोना घूम फिर कर भारत में एकत्र हो जाता था, भारत का व्यापार संतुलन सदैव उसके पक्ष में बना रहता था। 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण, वैज्ञानिक आविष्कारों और भौगोलिक खोजों ने भारत में इन शक्तियों के आकर्षण को और भी बढ़ा दिया था। नए देशों की खोज हुई, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये यूरोपियन रिनेशा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो जो पुनर्जागरण हुआ उसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और इसके कारण उनका प्रोडक्शन बढ़ा। अब प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट उनका बना है उसको बेचने के लिए उन्हें मार्केट चाहिए, तो मार्केट की खोज की जाएगी, नए देशों की खोज हुई। उसके संसाधनों के प्रयोग के लिए जब पुराने मार्ग से भारत प्रवेश संभव नहीं हुआ तो यह आवश्यक बन गया कि किसी नए मार्ग की खोज की जाए। पुराने मार्ग पे क्यों बंद हो गए, क्योंकि अरबों ने
उन व्यापारिक मार्ग पर जो स्थल मार्ग थे व्यापारिक, उन पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण वो बहुत टैक्स वसूलते थे और इनके यूरोपियंस के लिए ये सौदा बहुत ही महंगा पड़ता था। इसके कारण उन्हें समुद्री रूट खोजना पड़ा। पूंजीवादी विचारधारा इस बात को प्रोत्साहित भी कर रही थी कि जिस देश का आधिपत्य दूसरे देशों और उनके संसाधनों पर होता है वही देश दीर्घकालिक होता है। तो इस समय तक भारत से मुख्यतः मसाले और वस्त्रों के व्यापार की विश्व में धाक जम चुकी थी। तो इसी क्रम में चलते हुए सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं। पुर्तगाली में वास्को डा गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। उसकी मदद एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की। सबसे पहले वह कालीकट पहुंचता है, जहां उसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन द्वारा किया जाता है। भारत से व्यापारिक संबंधों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1505 में डी अल्मेडा पहला गवर्नर, पहला वायसराय बनकर वो भारत में आया। यहीं से विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों के भारत आने का मार्ग प्रशस्त होता है। डी अल्मेडा ने भारत पर नियंत्रण के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जिसका मतलब था सामुद्रिक मार्गों पर नियंत्रण की नीति, अर्थात भारतीय जहाज़ों को गोवा और समुद्र के में मतलब व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था, अदरवाइज़ पुर्तगाली उनका जहाज़ लूट लेते थे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। पुर्तगालियों का वास्तविक लोकप्रिय गवर्नर अबू कर्क था और इसने कंपनी को व्यापार से बढ़ाकर क्षेत्रीय विस्तार से जोड़ दिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी बीजापुर से गोवा को प्राप्त करना। अबू कर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रेरित किया और डी अल्मेडा की जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको त्याग दिया। सन 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और साम्राज्य के लोगों को धर्म पालन करने में मुश्किल पैदा कर रहे थे। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर कार्टेल पद्धति को जन्म दिया। ये एक प्रकार का ऐसा प्रपत्र होता था जिसके तहत बंदरगाहों से जहाज़ का आवागमन हेतु पुर्तगालियों को एक निर्धारित शुल्क मिलता था, वही ब्लू वाटर पॉलिसी वाला। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री को चीन में स्थापित की गई, उनकी पहली राजधानी भी वहीं पर स्थापित हुई, जिसके बाद उनकी राजधानी गोवा बनी। पुर्तगालियों का मुख्य ध्यान भारत से मसालों के व्यापार पर आधिपत्य जमाना था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू सर्वप्रथम पुर्तगाली ही लेके आए थे। 1509 से 1529 में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों से मित्रवत व्यवहार भी था। अब ये इनके डिक्लाइन होने का कारण क्या है? राइज ऑफ इंग्लिश एंड डच, कंपटीशन बढ़ रहा था मार्केट, चूंकि यूरोप में उनके यहाँ भी औद्योगिक क्रांति हुई, उनके यहाँ भी प्रोडक्शन हाई हुआ, वो लोग भी ईस्ट में व्यापार करना चाहते थे, साथ ही करप्शन इनमें बढ़ रहा था, इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया, मराठा जैसी शक्तियाँ उनके लिए एक अवरोधक की तरह से कैसे उत्पन्न हुई थी, और पुर्तगीज शिफ्टिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन एम्बिशन टुवर्ड्स अदर कॉलोनीज, साथ साथ में पुर्तगालियों के अलग जो अदर कॉलोनीज थी, अदर उपनिवेश थे, वो उनका ध्यान उनमें भी लगा हुआ था। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पुर्तगीज टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड टू प्रोसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स, इसी कारण से शाहजहां ने इनको बंगाल से 1632 में बाहर निकाल दिया। और सबसे पहले भारत में कोई यूरोपीय शक्ति आई तो वो पुर्तगाल थे। पुर्तगाली ही वो शक्ति हैं जो भारत से सबसे बाद में गए। इसके बाद आते हैं डच। सबसे पहले डच यात्री थे हस्तमान, और
जेंटलमैन 17 नाम कंपनी से कंपनी में केवल 17 डायरेक्टर थे। जेंटलमैन 17 अगर नाम आता है तो वो डच से संबंधित है। और 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई, जिसको पूर्व में व्यापार करने के लिए 21 वर्षों का चार्टर दिया गया। इस कंपनी के निदेशकों की संख्या 17 थी, इसलिए इसे जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई सन 1605 में, और पुलिकट में एकमात्र किलेबंदी की। विश्व बाजार में भारतीय वस्त्रों को स्थापित करने का श्रेय डचों को ही जाता है। डचों ने कभी भी भारतीय वस्त्र के व्यापार पर मनमाने शुल्क आरोपित नहीं किए। औपनिवेशिक शक्तियों के संघर्ष के क्रम में 1759 में बैटल ऑफ बेदरा, ये बुदरा लिखा है, यहाँ ई होगा, बैटल ऑफ बेदरा 1759 में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक शिकस्त दी। तो इस प्रकार से डच का अंत हो जाता है भारत में, और इसके पश्चात आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आती है? इसकी स्थापना हुई 1600 में, और इसका शासन भारत में कब तक चलता है? 1857 की क्रांति होने से पहले तक। उसके पश्चात 1858 का एक्ट आ जाता है, वो तो हम आगे देखेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को 15 वर्षों का चार्टर दिया गया। इस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। आधिकारिक रूप से भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त लेने के लिए ब्रिटिश दूत जहांगीर के दरबार में आया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। उसने तुर्की भाषा में जहांगीर से बात की। जहांगीर ने उसको 400 जात का मनसब दिया। सर थॉमस रो 1615 में दूत बनकर भारत आए, और 3 वर्षों तक वो भारत में रहे। भारत में ही नहीं बल्कि वो जहांगीर के दरबार में रहे। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कि अस्थाई थी सूरत में 1608 में खोली, और बाद में 1613 में उन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री खोली दक्षिण में। अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में खोली गई। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने ब्रिटिश कंपनी को सुनहरा फरमान, गोल्डन चार्टर दिया, जिससे उस क्षेत्र में अंग्रेज़ों को व्यापार करने हेतु अत्यधिक रियायतें मिली। सन 1717 में मुगल शासक फर्रुखशियर ने कंपनी को लगभग संपूर्ण साम्राज्य में व्यापारिक रियायतें प्रदान की। इसे कंपनी हेतु मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक शक्ति से दूसरी शक्ति की ओर स्थानांतरण कर दिया जाता है। अब इन्होंने 3 जगह किलेबंदी की। सबसे पहला स्थान इनका मद्रास सन 1640 में, सेंट जॉर्ज का किला इन्होंने बनाया, और इसका निर्माता कौन था? फ्रांसिस डे। दूसरा कलकत्ता में 1698 में, वहाँ पे फोर्ट विलियम नाम से किला बनाया, और इस किले का पहला अध्यक्ष बना चार्ल्स आयर। इसकी स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। तीसरा है बम्बई 1720 में चार्ल्स बून ने वहाँ पे किले का निर्माण कराया। उस किले का तो नाम नहीं है, लेकिन ये 2 किले हैं, सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट विलियम कलकत्ता में। 1698 में अंग्रेज़ों ने सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकट बोलिए या कालीघाट, इन 3 जगह को की जमींदारी हासिल की, और इन्हीं को मिलाकर कलकत्ता का निर्माण किया। भारत में पूर्व में अंग्रेजों ने पहली कोठी
बालासोर, बालासोर कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थापित करी। पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया, और फिर चार्ल्स द्वितीय ने सन 1667 से 68 में बम्बई को 10 पाउंड पर ईयर के लीज पर कंपनी को दे दिया। इस प्रकार से ये आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट हुआ। इन 1698 जमींदारी प्रथा भी मतलब इनके द्वारा लाई जाती है। इसका ब्रिटिश के तो हम बाद में खूब एनालिसिस करेंगे, पूरी हिस्ट्री ही हमारी मॉडर्न इंडिया ब्रिटिश बेस्ड है, और इसलिए अभी यहाँ पे समराइज देखते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन 1664 बाई कॉलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा हुई, और भारत में फ्रांसीसी ने पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। पौंडिचेरी विजय के बाद वहाँ का गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन बनाया गया। पांडिचेरी, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, पांडिचेरी को आधुनिक रूप में ढालने की कोशिश भी की। फ्रांसीसी कंपनी का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर डुप्ले को बनाया गया, जिसने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ किया, और यहीं से भारतीय शक्तियों का विदेशी शक्तियों से राजनीतिक संघर्ष आरंभ हो जाता है। ब्रिटिश शक्तियों से राजनीतिक संघर्ष आरंभ हुआ, ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियां भी एक दूसरे की शत्रु हो गईं। इसी क्रम में तीन युद्ध हुए, तीन कर्नाटक युद्ध हुए। तो पहला कर्नाटक का युद्ध 1740 से 1748 में, ये एंग्लो फ्रेंच वार चल रहा था यूरोप में, जो कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध किया जा रहा था, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट था, जो भारत में आ गया। और भारत में तीन युद्ध हुए, पहला सेंट टोमे का युद्ध, दूसरा आम्बेर का युद्ध, तीसरा वंडीवॉस का युद्ध। तो सेंट टोमे का युद्ध कहाँ, कौन सी सन में हुआ, 1746 से 1748 में। दूसरा है आम्बेर का युद्ध, ये आपका 1749 से 1754। तीसरा है वंडीवॉस का युद्ध, 1760। इस तीसरे युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक शिकस्त दी गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था। ऑस्ट्रिया वियना के उत्तराधिकार के प्रश्न पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई आरंभ हुई थी। भारत में कर्नाटक युद्ध में यह बदल गई, डुप्ले को वापस बुलाकर लाली को गवर्नर बनाया गया। फ्रांसीसी सरकार की एक यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। तो फ्रांसीसियों की अंग्रेजों से हार के क्या कारण थे, उसका कारण था, सबसे महत्वपूर्ण था कि फ्रांसीसी कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण था, और दूसरा था ब्रिटिश नौसेना शक्ति का विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना। ये दो कारण ऐसे थे जिसके कारण फ्रांसीसी अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। इसके अलावा ये फ्रांसीसी फिनिश होता है। इसके बाद आता है हमारा डेनिश, डेनमार्क की कंपनी आई, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 में की गई थी, और ये भारत में आई। इन्होंने अपना मुख्यालय सेरामपुर बंगाल में बनाया। ये बेटर नोन फॉर देयर मिशनरीज एक्टिविटीज़ देन फॉर कॉमर्स। बेसिकली यूरोप की जितनी भी शक्तियाँ आई हैं, उन्होंने सबने यह प्रयास किया है लगभग
कि ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। इन सभी के बावजूद सब में एक ही कंपनी टिक पाई, जो थी ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका क्या कारण था? वो था कि इनका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था, नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, और इनके जो व्यापार की कंपनी थी उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर था और निश्चित कुछ रूल्स थे, जिसके बावजूद भी करप्शन उसमें आरंभ हो गया था, क्योंकि करप्शन कहीं ना कहीं किसी के लालच का परिणाम है जो पैदा हो ही जाता है। इट्स नेवल सुपीरियरिटी अगेंस्ट द फ्रेंच, नेवल सुपीरियरिटी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18वीं सदी में स्टार्ट हुआ, जिसके कारण नई तकनीकों का आविष्कार हुआ, ब्रिटिश मिलिट्री स्किल हाई थी, उनमें अनुशासन था, ब्रिटिश हैव स्टेबल गवर्नमेंट वाइल फ्रांस विटनेस वायलेंट रिवॉल्यूशन। ब्रिटिश में वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट थी, जबकि यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ क्रांति या परिवर्तन होते रहते थे। ब्रिटेन वाज लेसर जेलस एंड लेस इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजन। सभी ने धर्म का प्रचार करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई धर्म प्रचार में जितना कि बाकी सब दिखा रहे थे। साथ ही ब्रिटिश यूज़ ऑफ डेट मार्केट टू फंड द वॉर्स, उन्होंने अपने दिमाग का यूज़ किया और उन्होंने जितना भी युद्ध लड़े वो सारे कर्ज ले लेके लड़े, जबकि बाकी सभी लोग अपने ही धन को नष्ट करते हुए लड़ते थे। तो इस प्रकार से द बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इस्टेब्लिश हुआ लोन लेने के चक्कर में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसके बाद आगे के चैप्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।